हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आरजे रविंद्र, लेकर आई हूं अपना नया पॉडकास्ट। आज है लेबर डे, मजदूर दिवस। मजदूर, ये शब्द सुनते ही आंखों के सामने क्या आकृति उभरती है? कड़कती धूप में माथे पे पसीना, कंधे पे रखा हुआ गमछा, टूटी हुई चप्पल, सिर और कंधे पर लादा हुआ बोझ, ये इंसान दूर से ही मजदूर नजर आता है। और साहब, ये मजदूर होना भी आसान बात नहीं है। हम अपने आसपास कितने मजदूर देखते हैं, चाय की दुकान पे काम करने वाला, रिक्शा खींचने वाला, ऑटो चलाने वाला, फैक्ट्री में काम करने वाला, हमारे घरों में काम करने वाली बाई, और भी जहां नजर दौड़ाइए आपको मजदूर नजर आ ही जाएंगे। ये मजदूर मजबूर भी होते हैं साहब। हमारे आज के पॉडकास्ट के लिए हमें आलेख लिख के भेजा है प्रियंका गणेश ने। आइए सुने क्या लिखती हैं ये। ये जो है ना चाय की टपरी पर छोटू से लेकर रामू रिक्शे वाला, जरा सोचो ये ना हो तो हमारा क्या हो। ये जो साहब लोग तन के चलते हैं, अकड़ के चलते हैं, झुक ना जाए तो कहिए। ये अकड़ इन्हीं रामू रिक्शे वाले, छोटू चाय वाले और भोला भंगार वाले की बदौलत ही तो है। अब ये मत कहिएगा कि सबकी अपनी अपनी किस्मत है, जबकि सच तो ये है कि ये सब मिलकर हमारी किस्मत बनाते हैं अपने खुरदुरे हाथों से, ताकि हम जिंदगी आराम से जी सके। एक माँ आलिशान कमरे में बैठी बच्चों की किलकारी का आनंद ले रही है और अपने नसीब पर गर्व महसूस करती है। किसके सहारे? उस माँ के जो भरी दोपहर में अपने बच्चों को पीठ पर लाद कर एक एक ईंट चुनकर उस आलिशान घर को बनाने में अपने मासूम की चीखों को अनसुना कर देती है। और इसके साथ वो बाई भी जो सुबह सुबह आ जाती है अपने बच्चों को छोड़कर आपके घर का काम करने के लिए, ताकि साहब समय से ऑफिस जा सकें, बच्चे स्कूल जा सकें और आप भी अपने काम इत्मीनान से कर सकें। अब भगवान के लिए ये तो बिल्कुल मत कहना कि कौन सी नई बात है, ये इनका काम है और तनख्वाह मिलती है इनको इन सब कामों की। कभी सोचा है हमारी दी हुई मजदूरी पाकर कभी कभी ये खुश क्यों नहीं होते? क्योंकि कुछ बातें हैं जो इन्हें चुभती हैं, जैसे ए छोटू हाथ जल्दी चला, या कहां मर गया था। ये चाहते हैं सम्मान मजदूरी के साथ, जो इन्हें इनके साहब लोगों से नहीं मिल पाता। क्या मजदूर हकदार नहीं है सम्मान का? ए सुनते हो कि जगह, जरा सुनना भैया, शब्द का इस्तेमाल कर ले तो हमारी इज्जत तो कम नहीं होने वाली। याद रखिए, दूसरों को सम्मान देकर हम अधिक इज्जतदार बनेंगे। फिर भी सोचो जरा, ये ना हो तो तुम्हारा क्या होगा? क्या साहब साहब रहेंगे? तुम्हारी हवा ना निकल जाए तो कहना। ये आलेख हमें लिख के भेजा था प्रियंका गणेश ने। दरअसल ये आलेख हमारा ध्यान आकर्षित करता है मजदूरों की स्थिति की तरफ। मजदूर सिर्फ वही नहीं होते जिसके गले में गमछा और पैरों में टूटी हुई चप्पल हो। दरअसल हम सभी मजदूर हैं। ये बात अलग है कि हम व्हाइट कॉलर वाले मजदूर हैं, जो जाकर किसी एसी वाले दफ्तर में बैठते हैं और किसी के लिए कंप्यूटर पे मजदूरी करते हैं। लेकिन खट तो हम सभी रहे हैं ना। अगर आपके घर की मेड एक दिन के लिए छुट्टी कर लेना तो फिर निकल जाएगी आपकी मेम साहब गिरी। दरअसल ये मजदूर हमारी जिंदगी को सिर्फ आसान ही नहीं बनाते, बल्कि संभव भी बनाते हैं। अगर ये मजदूर ना होते तो क्या ये गगनचुंबी इमारतें देखते हैं जो आप, हो पाती, बन पाते ये लाल किले और कुतुब मीनार और ताजमहल? तो क्योंकि अब आप मान रहे हैं कि हम और आप सब मजदूर हैं और कहीं ना कहीं किसी ना किसी के लिए मजदूरी कर रहे हैं, तो क्यों ना जो मजदूर हमारी आंखों के सामने हैं, ये जो मजदूर हमारे आसपास काम कर रहे हैं, हमारी तरफ से उनका थोड़ा सा सम्मान किया जाए, उनको थोड़ी सी रिस्पेक्ट दी जाए, उनके काम को सराहा जाए। और हाँ, अगर हो सके तो उनको उनके सही नाम से बुलाया जाए। कभी आपने देखा है ये जो सब्जी वाले भैया घंटी बजाकर आपको सब्जी देते हैं,
अगर आप इनको कभी एक ग्लास पानी पूछ लेना तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इन सब चीज़ों से हमारे मन में जो उनके लिए सम्मान है ये जाहिर होगा। बस ये छोटी छोटी बातें हैं और हमारा व्यवहार है जो उनको महसूस करवाएगा कि वो हमारे लिए क्या है, हमारी जिंदगी के लिए कितनी अहमियत है उन लोगों की। और सच जानिए, एक गरीब मजदूर अपनी मजदूरी के अलावा इज्जत से ज्यादा कुछ नहीं चाहता। अपने आसपास नजर दौड़ा के देखिए कौन कौन मजदूर है यहाँ, और एक बार अपना दृष्टिकोण बदल कर देखिए कौन कौन मजदूर नहीं है यहाँ। हम सब मजदूर हैं और मजबूर भी। तो जब हम सब सेम लेवल पे हैं तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना तो बनता है ना बॉस। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी और प्रियंका गणेश की बात पर जरूर विचार करेंगे। तो आपको आज का हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा ये आप हमें बताएंगे ईमेल के जरिए। मेरा ईमेल आईडी है rj.ravindrakaur@gmail.com। मिलते हैं आपसे अपने अगले पॉडकास्ट में। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए एंड हैप्पी लिसनिंग।